हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि जब हम जो अपने घर को बनवाते हैं तो उस समय कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें हमें नहीं करना है मकान बनाते समय, क्योंकि उन गलतियों की वजह से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिन्हें हम चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन गलतियों का अगर हम बार बार ठीक भी करते हैं तो फिर से वो गलतियाँ होती रहती हैं, और वो जो एक बार गलती हो जाती है वो ठीक नहीं होती है जल्दी से। जैसा कि मैं आज इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, आप इन बातों का मकान बनाते समय ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, ये हमने जब कॉलम को कास्ट किया गया था तो अब यहाँ पर ये इन्होंने 9 इंच का एक ब्रिक वर्क से पिलर बनाया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये एकदम चिकना सरफेस है और ये चिकना सरफेस ये मसाले के साथ में जल्दी से पकड़ नहीं करता है, और उस ना पकड़ करने की वजह से ही आगे इन फ्यूचर में अगर इसके ऊपर प्लास्टर भी करेंगे तो यहाँ पर ये वॉल क्रैक हो जाती है तो यहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है, वो आगे जा कर के बहुत बेकार लगती है, और इसको आप कितना भी इसका प्लास्टर से ट्रीटमेंट करते रहेंगे ये फिर वापस से दोबारा ऐसे ही बार बार से क्रैक होती रहती है। तो दोस्तों इसी बात का बहुत ध्यान रखना, आपको इसमें या तो ड्रिल करके सरिये लगाने होंगे, इसका सॉल्यूशन यही है, या फिर आप जैसे जैसे ब्रिक वर्क करते जाते हैं वैसे वैसे आपको कॉलम बनाने होंगे। 3 फुट बनाया कॉलम आपने तो 3 फुट तक कास्ट कर ब्रिक वर्क कीजिए, फिर कॉलम कास्टिंग कर दीजिए, फिर 3 फुट कॉलम ब्रिक वर्क कीजिए, फिर कॉलम कास्टिंग कर दीजिए, जिससे क्या होता है ब्रिक और कॉलम के बीच में अच्छे से पकड़ बन जाती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जैसा कि अब यहाँ पर हम विंडो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर विंडो डालने के बाद मिस्त्री ने क्या किया है, ये जो एक छोटा सा लिंटल टाइप का डाला है इसको विंडो के ऊपर की तरफ डालना चाहिए था, लेकिन मिस्त्री ने इसको नीचे की तरफ डाला है। ये मिस्त्रियों की बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कभी ये देखते हैं कि किसी भी विंडो के ऊपर लोड जो आएगा ब्रिक का वो ऊपर की तरफ से आएगा, नीचे की तरफ से विंडो का लोड आसानी से ईंटें ही बियर कर लेती हैं, इसलिए ये जो लिंटल टाइप का होता है छोटा सा 4 इंच का इन्होंने डाल रखा है, उसको विंडो के ऊपर डालना चाहिए था। ये देखे ऊपर नहीं डाला है, इन्होंने नीचे की तरफ डाल दिया है, दूसरी गलती ये हो गई है। और जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर देखने आए हैं हम थोड़ा सा कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो अब तो इनको सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन आप इन बातों को मकान बनवाते समय ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप सामने की तरफ एक कॉलम देख रहे होंगे, अब देख रहे हैं कि इसमें 4 जगह से कॉलम को तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है ये कॉलम, इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि इसमें इनको ये जो डोर है, डोर फ्रेम है चौखट, इनको इसको लगाने के लिए इन्होंने कॉलम को 4 जगह से तोड़ करके कमज़ोर कर दिया है। ये गलतियां नहीं करनी है आपको, या तो आप उसके लिए पहले से ही कॉलम में से कोई सरिया निकाल दें, जिससे कि आप सरिया इस लोहे की अगर विंडो लगा रहे हैं तो वहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं, लकड़ी की अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप ड्रिल करके वहाँ पर जो फास्टनर होते हैं उनकी हेल्प से लगा सकते हैं, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। देखो यहाँ पर जितने भी कॉलम डले हैं जो डोर के पास में, उनके पास में यही गलती की गई है कि जो कॉलम को तोड़ करके इन्होंने डोर को फिक्स किया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या इन्होंने मिस्टेक की है वो थोड़ा हम देख लेते हैं ज़रा आज। दोस्तों ये देखिए, दूसरे कमरे में जब हम आए तो उस तरफ भी मिस्त्री ने यही काम किया है कि विंडो के नीचे तो लिंटल डाला है लेकिन विंडो के ऊपर में लिंटल नहीं डाला है, जबकि लिंटल को मैंने आपको लास्ट कमरे में जब दिखा रहा था उस समय भी मैंने यही बताया था। और ये देखिए एक गलती आप यहाँ भी देखिए दोस्तों, जब आप कभी चिनाई करवाते हैं तो चिनाई करवाते समय आपको ये बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि जो चिनाई होती है या ब्रिक वर्क होता है वो ब्रिक के जो जोड़ होते हैं वो एक दूसरे से कटने चाहिए। कटने का मतलब जैसे कि एक जोड़ यहाँ पर आया है ये, और दूसरा जोड़ ब्रिक के बीच में आया है या फिर साइड में आ जाए, लेकिन बिल्कुल सामने सामने नहीं आने चाहिए। जैसे ये आ गया लेकिन बीच में एक ब्रिक है, दूसरी ब्रिक के बाद फिर यहाँ एक जोड़ है, फिर दूसरी ब्रिक यहाँ पर डलिए, इसी तरीके से गलतियाँ आपको नहीं करनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मिस्त्री ने यही किया है, ये देखिए यहाँ से जोड़ शुरू हुआ है
और यहाँ भी वही जोड़ आ गया, फिर यही जोड़ है, फिर यही जोड़ है, फिर यही जोड़ है, फिर यही जोड़ है। इससे क्या होगा, यहाँ तक जहाँ भी ये जोड़ ऐसे होंगे वहाँ से वॉल जो है हमारी क्रैक हो जाती है। ये देखिए यहाँ अच्छे से पकड़ नहीं बनेगी। ऊपर से आप देख रहे होंगे कम से कम भी नहीं 10 से 12 रद्दे जो हैं वो मिस्त्री ने ये जोड़ को जोड़ के सामने ही रखा है, जोड़ को काटा नहीं है। ये गलतियाँ आप भी ना करवाएं मकान बनाते समय, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और देखते हैं हम दोस्तों मकान के अंदर मिस्त्रियाँ क्या क्या गलती कर देते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का यही एक पर्पस है कि आगे इन फ्यूचर आप भी कभी अगर किसी और का या अपना मकान बनाते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, जिससे कि आपके मकान में कभी कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए अब हम दोस्तों दूसरे रूम को छोड़ करके जब तीसरे रूम में आए, यहाँ देखें यहाँ लिंटल को विंडो के ऊपर डाला है और नीचे नहीं डाला है। यहाँ अच्छे तरीके से किया है काम, लेकिन वहाँ जो दो रूम थे उनमें मिस्त्री ने यही मिस्टेक कर दी कि लिंटल को नीचे डाला है और ऊपर की तरफ ऐसे ही छोड़ दिया है। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काम के अच्छे तरीके से किया है, बाकी इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। और देखते हैं दूसरे कमरे में चलने के बाद उस कमरे में क्या हो, क्या कोई मिस्टेक है या अच्छे तरीके से बना हुआ है। बाकी तो दोस्तों अच्छे तरीके से बन ही रहा है और अब आप देख भी रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल एकदम हर एक कमरे में जा करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से। ये मैंने कॉलम तोड़ने के लिए बताया था कि इस तरीके से नहीं करना है आपको, इससे क्या होता है हमारा कॉलम कमज़ोर हो जाता है। जब हम दोस्तों उस तरफ खड़े हुए थे सामने तो हम इधर का कॉलम देख रहे थे, अब देखिए इधर से देखते हैं तो उधर के जो दो रूम हैं वहाँ भी मिस्त्री ने यही काम किया है, वो के चार जगह से कॉलम को तोड़ा है और तब जा कर के इस डोर फ्रेम को फिक्स किया है। इससे कॉलम के कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मिस्त्री ने इस पर मसाला लगा करके अच्छे से बंद कर दिया है। लेकिन ऐसी गलतियां आपको भी नहीं करनी है कभी। यहां देखिए दोस्तों मैं यहां भी आपको दिखा देता हूं कि यहां भी मिस्त्री ने वही गलती की है। कोने में आप देख रहे होंगे जहां पर ये ईंट के डाड़े छिके हुए हैं, यहां देखिए एक भी ईंट को इस तरीके से नहीं लगाया जिससे कि ईंट की अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो, हर जोड़ को जोड़ के ऊपर ही लगाया है, जोड़ को जोड़ के ऊपर ही लगाया। और यहाँ देखिए ये लगभग 4 फुट दीवार होगी कम से कम, और इधर भी कॉलम से अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगी क्योंकि तो ऐसी दीवारें अक्सर जो है क्रैक हो जाती हैं, कॉलम से अच्छी पकड़ नहीं बन पाती। ये यहाँ मिस्त्री ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पर रोड़ी बदरपुर मतलब ब्रिक वर्क काम के लिए मसाला तैयार किया जाता है ईंट बिछा करके। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देखते हैं क्या क्या इन्होंने गलतियां की हैं बाहर के फेस में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि रोड साइड की तरफ आ गए हैं बाहर, जिसमें यहाँ एक इन्होंने एक ऐसा काम किया है आप देख भी रहे होंगे, ये जो आप कॉलम के साइड में जगह देख रहे हैं ये आप देख रहे होंगे, क्यों ये इन्होंने जगह छोड़ा पाइप के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वॉल है हमारी, वॉल अच्छे तरीके से कॉलम से बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी, जिससे क्या यहाँ से ये कॉलम जो बना है ब्रिक का ये कमज़ोर हो जाएगा। और फ्यूचर में जो है ये आप बीच में लाइनिंग देख रहे होंगे, ये इस पर क्या करेंगे इनको हटा करके एक शॉप देंगे यहाँ पर, और शॉप देने के लिए ये जो 9 इंच के पाए बनाए हैं इन्होंने ये कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि कॉलम से हटा करके वॉल को नहीं बनाना है, और अगर आप पाइप के लिए जगह छोड़ते हैं तो पाइप को एक अंदर साफ्ट बना करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं ड्रेन पाइप के लिए। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं करना है, इससे क्या होता है आपकी सामने की वॉल होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और कॉलम से कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनती है, और ये स्ट्रक्चर आपके मकान के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करनी है।
दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि जो आप अपने मकान में नहीं करेंगे, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक करते रहिए जिससे मैं आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।